अब फिर लोग बोलेंगे भैया डाउनग्रेड हो गए, 210 सीसी में चले गए। अरे यार 440 सीसी से 210 सीसी में एक्सपल्स में चले जाओगे। यार इस बाइक को मैंने बहुत प्यार से मेंटेन किया यार, पूरी बाइक में 3 साल का PPF हो रखा है, क्योंकि मैं अब सोच रहा हूँ कि रॉयल इनफील्ड ट्राई करूँ BR650, और फिर मेरे को iPhone 16 भी लेने जाना है दुबई, तो उसके लिए मैंने दुबई की टिकट्स भी कर ली है। हेलो हेलो हेलो, सो हेलो एवरीवन, माय नेम इज अक्षत एंड यू गाइस आर वाचिंग हैप्पीएस्ट लाइफ। पुणे आ चुका हूँ, हार्ले डेविडसन 140 मेरे पीछे खड़ी है। क्या मैं इसको बेचने वाला हूँ इस वीडियो में बात, बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आ चुके हैं इस चीज़ को लेके कि क्या भैया आप अपने हार्ले डेविडसन 140 बेचने वाले हो, क्योंकि मैंने R15 खरीद ली, अब लोगों को लग रहा है कि मैं इस बाइक को बेच दूंगा। भाई दोनों बहुत अलग सेगमेंट की बाइक्स हैं। यहाँ पे देखो क्या चमचमा रही है भाई, फुल PPF हो रखा है, मस्त। अभी इसको मैंने खुद से वॉश किया है हाथ से, जस्ट टू गुड मैन। अभी देखो ये सब ना यहाँ पर थोड़ा बहुत स्क्रैच आया है, बट ये PPF पे बाइक पे कुछ प्रॉब्लम नहीं है, बाइक में कुछ स्क्रैच नहीं है, छोटा सा यहाँ पे। अब यार अपनी बाइक रहती है तो थोड़ा बहुत भी कुछ लगता होता है ना इसमें, तो थोड़ी जान पे आ जाती है। बिल्लियों ने भाई आतंक मचा रखा है, ये बिल्लियाँ यहाँ पे स्क्रैच मार रही हैं। मैं आपको ज़रा क्लोज दिखाता हूँ इसको, तो अगर आप लोग यहाँ पे देखोगे ना, ये पूरा बिल्लियों ने ख़राब कर रखा है, पूरे में स्क्रैच मार रखे हैं। बट द गुड थिंग इज़ कि ये सारे जो स्क्रैचेज हैं PPF पे हैं, PPF में जैसे ही निकालूंगा मेरी बाइक अंदर से ब्रांड न्यू रहेगी। ये सीट बिल्लियों ने डेफिनेटली ख़राब कर रखी है। तो भाई लोगों को इतनी ज़्यादा कन्फ्यूजन हो रही है कि भाई मैंने डाउनग्रेड कर लिया, मैंने R15 ले ली 155 cc। भाई सच में बताता हूँ, जब मैंने अपनी ये पुणे आया हूँ ना और अपनी हार्ले डेविडसन की बैटरीज कनेक्ट करी, और जैसे ही रात को 12 एक्चुअली रोड खाली होने का वेट कर रहा था मैं कि जब रात हो और खाली रोड हो और मैं बस अपनी बाइक लेके निकलूँ अपनी हार्ले डेविडसन। अरे भाई एक जो पुणे का वेदर इतना अच्छा है ना कि मतलब क्या बताओ यार, जैसे ही मैं अपनी बाइक लेके निकला, लिटरली जो थ्रॉटल दिया है मैंने, और लिटरली सच बता रहा हूँ मेरी आंखों में ऐसी आंखें नम हो गई यार, एकदम आंसू से आ गए कि भाई वो फीलिंग एक राइडर एक बाइकर ही समझ सकता है जब वो अपनी बाइक राइड करता है बहुत टाइम बाद। मैं 1.5 महीने बाद अपनी बाइक राइड किया, भाई वो अलग ही लेवल की फीलिंग थी। एनीवेज चलो चलते हैं, जैकेट वगैरह डाल लिए, निकलते हैं हेलमेट में, बाकी की बातें हेलमेट में करें। भाई तो आज है यहाँ पे इलेक्शंस महाराष्ट्र में, एंड आई थॉट कि आज अच्छा दिन है, खाली रोड्स मिलेंगी, बट इलेक्शंस का टाइम लगता है ख़त्म हो चुका है, तो यहाँ पे लोग बाहर निकल चुके हैं घर से। एनीवेज क्या मैं अपने हार्ले डेविडसन 140 बेचने वाला हूँ, उससे पहले आप लोगों को एक चीज़ बताता हूँ, सेगमेंट वाइज आपको समझाने की कोशिश करूँगा, ठीक है। अभी जो मैंने R15 खरीदी है अपनी, इट इज़ अ स्पोर्ट्स बाइक, अपनी एंट्री लेवल की, इट्स द बेस्ट बाइक अगर किसी को ख़रीदना है, किसी को चलाना है, किसी को सीखना है कि ट्रैक्स पे बाइक कैसे चलाते हैं। ओ हो द टॉर्क मैन, ये ही इस बाइक का खूबसूरती है, बड़ा ब्यूटीफुल, यू नो जो पुश करती है ना ट्रैफिक से निकलती है। या सो R15 इज़ अ बाइक जिसे आप प्रैक्टिस कर सकते हो अगर आपको ट्रैक्स पे बाइक चलाना है, जैसे RC390 हो गई, वो ऊपर का वर्जन हो गया, RC390, RC200, ये सारी जो बाइक्स हैं, दीज आर द बाइक्स। अरे यार ये पुणे में कोई ट्रैफिक सिग्नल ही नहीं देखता है। तो दीज आर द बाइक जिसे आप प्रैक्टिस करते कर सकते हो ट्रैक्स पे। 155 सेगमेंट की बाइक है वो R15, फॉर द बाइक जो ऑलमोस्ट अपनी CC के बराबर। देखो यार ये क्या हाल है पुणे का। तो भाई जो R15 है, ऐसा बोलते हैं लोग कि वो अपनी जितनी CC है उतना ही उसका टॉप स्पीड है। अभी जैसे 440 है तो 440 तो टॉप स्पीड थोड़ी है इसकी, बट R15 की वो ब्यूटी है, इतना प्यारा यामाहा का इंजन है। लोग बेवकूफ़ है सच में जो उसको छपरी बोलते हैं, उनको बाइक की कोई नॉलेज नहीं है, जो R15 को लिटरली छपरी बाइक या कुछ बोलते हैं, वो गलत लोगों के हाथों में लग चुकी है। और आप खुद देखो बहुत ज़्यादा अच्छा यामाहा का यार इंजन, इट्स जस्ट ब्यूटी मैन। आप लिटरली इसको थाउजेंड ऑफ किलोमीटर चला लो, बाइक का इंजन लिटरली आवाज़ तक कुछ चूचा नहीं करता है उसका आवाज़ इंजन, इट्स दैट रिफाइंड। तो R15 अपने सेगमेंट की बेस्ट बाइक है फॉर 150 सीसी कैटेगरी, क्विक शिफ्टर आता है, यू हैव ऑल द कनेक्टिविटी फीचर्स इन दैट, इसलिए मैंने उसको चूज़ किया लेने के लिए, बहुत ज़्यादा अच्छी बाइक है, ठीक है। अब उसका मतलब ये नहीं है कि मेरे अपनी X440 बेच दूंगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, ये एक अलग कैटेगरी की बाइक है, दिस इज़ अ क्रूज़र, ठीक है। आप बढ़िया यू नो यू चेस्ट अप करके, शोल्डर बैक करके, यू जस्ट सिटिंग एंड राइडिंग इट फॉर लाइक किलोमीटर्स इन किलोमीटर्स, 900 किलोमीटर्स जब अब मैंने किए थे अपने इस हार्ले डेविडसन X440 में, इट वॉज मतलब पता ही नहीं चला यार, सच्ची बता रहा हूँ नहीं पता चला, क्योंकि आई डोंट नो व्हाट काइंड ऑफ एनर्जी लेवल आई हैड उस टाइम पे, कि 900 किलोमीटर कर लिया स्टिल जब मैं पुणे पहुँचा बैंगलोर से, सुबह सुबह कुछ 3:30-4 बज रहे थे, तब भी मेरे को लग रहा था कि यार मैं और अभी 200-300 किलोमीटर चला सकता हूँ। तो इस बाइक का ये फ़ायदा, इट्स अ क्रूज़र बाइक, तो क्रूज़र बाइक का ही फ़ायदा है, आप चलने दो बढ़िया से।
अब यार R15 में वो चीज़ नहीं कर सकते, उसका सिटिंग पॉस्चर है, इट्स वेरी डिफरेंट। अभी मैं एक्सपल्स लेने वाला हूँ, अब फिर लोग बोलेंगे भैया डाउनग्रेड हो गए, 210 सीसी में चले गए। अरे यार 440 सीसी से 210 सीसी में एक्सपल्स में चले जाओगे, अब तो डाउनग्रेड हो गए भाई। यहाँ पे डिफरेंट कैटेगरी वाली बाइक है। सो अब एक्सपल्स जो है इट्स ऑफ रोडिंग बाइक। अब मेरे पास क्या हो जाएगी, क्रूज़र, ये रहेगी क्रूज़र बाइक, एक रेसिंग बाइक रहेगी ट्रैक वाली विच इज़ अ स्पोर्ट्स बाइक, वो जाएगी अपनी R15। और जो मेरे पास रहेगी एक ऑफ रोडिंग बाइक, इट विल बी अ एक्सपल्स 210 विथ 6 स्पीड गियर बॉक्स, उसमें भी टूरिंग कर सकता हूँ। और उसमें जब टूरिंग करूँगा तो माइलेज जो मेरे को मिलेगा उसमें, इट विल बी 4550 इजी। एक्सपल्स का 210 सीसी का इंजन, 6 गियर, मज़ा आ जाएगा भाई उसमें, सीरियसली बोल रहा हूँ। तो पहले हाईवे पकड़ता हूँ यार, बहुत परेशान हो रहा हूँ यहाँ पे। ओहो हो, अब देखो सिटी में इसलिए मेरे को ना माइलेज अब इसमें कम मिलने लगा है, क्योंकि मैं इसका जो टॉर्क है लो एंड टॉर्क वो यूज़ करने लगा हूँ। मस्त भगती है गाड़ी। अरे ये नैनो किसकी बंद हो गई भाई, शिट, एकदम बीच सड़क पे बंद हो गई है। ओ भाई साहब क्या बात है, इंस्टाग्राम पे रील डाली थी मैंने इसकी कल, अगर आपने नहीं देखा है तो देखना भाई, बहुत फेमस हो रही है वो रील। सो बेसिकली मेरे बोलने का मतलब ये है कि आप बड़ी सीसी से कम सीसी में जाओ, इसका मतलब ये नहीं कि आप डाउनग्रेड हो गए। हर सेगमेंट की बाइक एक आपको लगता है आपके पास होनी चाहिए। जैसा अभी फिलहाल मैं सोच रहा हूँ एक ऑफ रोडिंग बाइक होनी चाहिए मेरे पास, तो एक ऑफ रोडिंग बाइक मेरे पास दी ब्रांड न्यू एक्सपल्स 210 रहेगी। 421 के पास मैं नहीं जा रहा हूँ अभी, एक और जो एक्सपल्स आने वाली है 421, वो फिर 400 सीसी हो जाएगी, मुझे नहीं चाहिए भाई। मैं एक अगर ऑफ रोडिंग बाइक लेना चाहता हूँ तो आई वॉन्ट इट लाइट वेट। अब 420 सीसी का इंजन अगर एक्सपल्स में लग जाएगा ना तो फिर वो हैवी हो जाएगी, और मैं बिल्कुल भी नहीं चाहता कि मैं एक हैवी बाइक लूँ। मुझे एक लाइट वेट ऑफ रोडिंग बाइक चाहिए है विथ गुड माइलेज, तो वो मेरा जो रिक्वायरमेंट है एक्सपल्स 210 फुलफिल करके देगी। रही बात R15 की, तो वो मैं जैसा मैंने बोला है कुछ दिन तक प्रैक्टिस करूँगा उसमें, अच्छे से सीखूँगा। अभी बाइक यहाँ पुणे में नहीं है, तो वो रहेगी मेरी छत्तीसगढ़ में, तो जब तक वो वहाँ पर रहेगी वहीं पर रहेगी। पापा बोलते हैं, पापा कभी कभी चलाते रहते हैं उसको, तो पापा का फ़ोन आता रहता है, बताते हैं कि मैं चलाया। तो एक बाइक वहाँ रखी है, कभी मन करा तो लाएंगे भाई उसको भी पुणे, लाइक लॉन्ग टूर उसमें भी करेंगे, और उसका भी एक माइलेज निकलेगा, क्योंकि मैंने लोगों को देखा है R15 में 58 का माइलेज निकालते हुए। तो मैं भी ट्राई करूँगा कि भाई उससे भी ज़्यादा माइलेज निकालूँ जब मैं हाईवे पर उसको डालूँगा। हार्ली डेविडसन 640, यस, इट विल रिमेन माय क्रूज़र बाइक। तो अभी इसको बेचने का फिलहाल कोई प्लान नहीं है, बट इन फ्यूचर अगर रहा, क्योंकि इस बाइक को मैंने जिस तरह से मेंटेन किया है ना यार, इट्स जस्ट टू गुड यार। इस बाइक को मैंने बहुत प्यार से मेंटेन किया यार, पूरी बाइक में 3 साल का PPF हो रखा है, 5 साल की वारंटी, अभी 1 साल भी नहीं हुआ है, 1 साल हुआ इस बाइक को, यस। तो बाइक को बहुत प्यार से मेंटेन किया यार मैंने, एक स्क्रैच भी आता है ना इस बाइक पे तो मेरे को जान पे आ जाती है। अभी वो बिल्ली ने स्क्रैच मारा है PPF पे, तो अभी मेरे को उससे कोई प्रॉब्लम है नहीं, क्योंकि PPF इसलिए पूरी गाड़ी पे। यही चीज़ आपके साथ शेयर करनी थी कि मैं अभी ये बाइक नहीं बेच रहा हूँ, बट इन फ्यूचर कभी प्लान रहा, क्योंकि मैं अब सोच रहा हूँ कि रॉयल इनफील्ड ट्राई करूँ BR650, बट फिलहाल वो नहीं कर पाऊँगा क्योंकि यार बजट हिल जाएगा। अभी मैं प्लान कर रहा हूँ एक एक्सपल्स लेने का, और फिर मेरे को iPhone 16 भी लेने जाना है दुबई, तो उसके लिए भी मैंने दुबई की टिकट्स भी कर ली है। तो यार ये सारे जो एक्सपेंसेस है ना वो जब बढ़ेंगे तो फिर BR650 अभी मैं नहीं ले पाऊँगा। रॉयल इनफील्ड जो लेने का सोच रहा था कि एक ले लूँगा बाद में, डेफिनेटली अब क्रूज़र बाइक रहेगी ना मेरी, तो ऑब्वियसली 440 सीसी से ऊपर ही जाऊँगा मैं, 440 से नीचे मैं क्रूज़र पे आऊँगा नहीं। तो इसके बाद जो एक ऑप्शन है मेरे पास, इट्स BR650 जो रॉयल इनफील्ड की अभी आई है, इट्स वेरी गुड, बहुत प्यारी बाइक लग रही है मुझे, वो चला के एक बार देखनी है। उसका भी वीडियो अगर आप चाहते हो मैं BR650 का, रॉयल इनफील्ड BR650 का एक वीडियो डालूँ तो मेरा ओपिनियन, वैसे तो यूट्यूब पे बहुत वीडियोज़ हैं, बट इफ़ यू गाइज़ वॉन्ट कि मेरा ओपिनियन मुझे कैसी लगी वो बाइक, क्या आप X440 से BR650 में अपग्रेड कर सकते हो, ये सारी चीज़ें अपन उस वीडियो में बात करेंगे जब वो बाइक पुणे में आ जाएगी। शायद से पुणे में आई नहीं है, आई जस्ट गो एंड चेक दैट। सो यप, क्रूज़र में अगर अपग्रेड करूँगा तो डेफिनेटली कोई रॉयल इनफील्ड देखूँगा 650s, क्योंकि यार मैंने वो चलाई है, 54 न्यूटन मीटर्स ऑफ टॉर्क और ये सब, इट्स जस्ट क्रेजी यार, लाइक वो लेवल जो है ना वो बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। GT वगैरह का जो इंजन है ना, इट्स जस्ट टू गुड मैन, मतलब आप वो फीलिंग है यार, लोग जो बोलते हैं ना कि GT अब ओवर हाइप्ड बाइक है ये एंड ऑल दैट, गाइस इट्स अ फीलिंग, आपको समझ में नहीं आएगा जब तक आप चलाओगे नहीं।
उसका इंजन है ना, इट्स एन इमोशन मैन, दिस टू गुड। चलो अब घर चलते हैं, मेरे को जो बातें बोलनी थी मैंने बोल दी ऑलरेडी, सारी चीज़ें आपको समझ में आई गई होंगी। यार इसकी लाइट कितनी ज़्यादा अच्छी है यार, मैंने हमेशा तारीफ करी है कि भाई हार्ले डेविडसन X440 की लाइट इज टू गुड मैन। वाओ। ओके गाइस, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, आई होप आपको समझ में आया होगा। तो अभी ऐसा कुछ प्लान नहीं है हार्ले डेविडसन बेचने का, बट या इन फ्यूचर डेफिनेटली हो सकता है, क्योंकि क्रूजर बाइक अगर मैं अपग्रेड करूंगा तब डेफिनेटली देखेंगे, मे बी रॉयल इनफील्ड BR650 देखेंगे, अपग्रेड करेंगे कभी फ्यूचर, या फिर और कोई अच्छी बाइक। बाइक की लाइन लगने वाली है यार, अभी IBW आने वाला है इंडिया में, 6 और 7 दिसंबर गोवा में होने वाला है, आई एम नॉट श्योर मैं जाऊँगा नहीं, बट बहुत ज़्यादा अच्छी अच्छी बाइक्स आने वाली है डेफिनेटली। तो अभी वेट करूँगा, देखते हैं कभी अपग्रेड करें तो। सो इंस्टाग्राम पे फॉलो करो Akshat_SS, कोई भी आपके डाउट्स हो पूछो पूछ सकते हो। टेलीग्राम पे फॉलो करो अगर आप ऑनलाइन शॉपिंग करते हो और आपको बहुत सारे पैसे बचाने हैं, तो टेलीग्राम पे फॉलो करो, आपको दिन भर लूट ऑफर्स डालता रहता हूँ। थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस वीडियो गाइस, जय हिंद जय भारत, वंदे मातरम।